A very warm good morning to all the students. अब बच्चे लास्ट जो हमारा लेक्चर था सैटरडे को, वहाँ पे मैंने आपको सिलेंट्रेटा फाइलम तक सब करवा दिया था. नाउ वी आर विद द नेक्स्ट फाइलम टीनोफोरा. इस फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, या इस फाइलम को हम कॉमनली सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं, और ये जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्सक्लूसिवली मैरीन हैं, और इनकी बॉडी सिमेट्री जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल है. मीन्स कि आप किसी भी प्लेन से काटो तो बॉडी जब सेंट्रल एक्सिस से होती जाएगी तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी. देन या डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, इनमें टू टाइप्स की जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं विद द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर लेवल से थोड़ा सा ऊपर और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है इनकी, ठीक है. देन वी हैव बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब जेलीज, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ठीक है. इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि क्या है कि जो इनकी बॉडी है वो एक्सटर्नल रोज प्रेजेंट है, यानी सिलिएटेड सीलिया प्रेजेंट है उनकी बॉडी में, कॉम्ब प्लेट्स यू कैन कॉमनली कॉल देम. यही इनको और लोकोमोशन में हेल्प करती है. ओके, सो देन वी हैव डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर. डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी है, सेल्स के बाहर भी, और इंट्रा सेलुलर भी है, ठीक है, विद इन द सेल. सबसे यूनिक प्रॉपर्टी ये जो ऑर्गेनिजम्स इस फाइलम के शो करते हैं वह बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है. ये एक वो प्रॉपर्टी होती है कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी में से लाइट एमिट करें, ल्यूमिनेसेंस टाइप ऑफ, ठीक है ना, कुछ रोशनी प्रकाश प्रकाशित हो. जैसे हम कई बार देखते हैं कि लाइक जुगनू. सो इट इज़ वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स. सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ठीक है, दे आर हर्मोफ्रोडाइट. बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन वन इंडिविजुअल एंड रिप्रोडक्शन टेक्स बाय सेक्सुअल मीन्स ओनली. और वहाँ पे क्या होगा, सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करेंगे. और फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल है, ठीक है. एक्सटर्नल है मीन्स कि विद इन द बॉडी नहीं है, आउटसाइड द बॉडी है. एंड देन उसके बाद क्या है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मीन्स कि डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होती है जहाँ पे लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है. लार्वा से एक अडल्ट फॉर्म होता है, और वो जो लार्वा और अडल्ट होता है वो आपस में टोटली डिफरेंट होते हैं. सो यू कैन सी इन द फिगर टीनोफोरा प्लूरोब्राचिया. देन वी हैव द नेक्स्ट फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस. प्लेटीहेलमिंथिस के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं, बिकॉज टॉर्सो वेंट्रली दे हैव फ्लैटेंड बॉडी, पूरी चपटी बॉडी होती है उनकी, ठीक है. सो दे आर वर्म्स बट फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट हैं. ओनली एंडो पैरासाइट्स हैं ये ह्यूमन बींग्स के अंदर, मतलब जिस तरह से कुछ पैरासाइट्स अटैक होता है, कुछ कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, तो ये ह्यूमन बींग्स के अंदर होते हैं. एंड फ्लैट वर्म्स जो होते हैं वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, मीन्स कि हमारी तरह बायलेटरली सिमेट्रिकल. अगर हम बॉडी को बीच में से, अगर हम सेंट्रल एक्सिस से होकर काटें तो बॉडी बिल्कुल इक्वल हाफ्स में बट जाए, एक लेफ्ट हाफ और एक राइट हाफ, और दोनों बिल्कुल इक्वल हों, जैसे कि हमारे केस में होता है, ह्यूमन बींग्स के केस में होता है. ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीन टाइप की लेयर्स प्रेजेंट होंगी. एंड ए सिलोमेट एनिमल्स. ए सिलोमेट एनिमल्स कौन से होते हैं, जिनमें सिलोम नहीं प्रेजेंट होता, बॉडी कैविटी नहीं प्रेजेंट होती. जैसे हमारे बॉडी के अंदर क्या है, जो बॉडी वॉल है उसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है. कैविटी प्रेजेंट है तभी सब ऑर्गेनिज्म अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब फिट हुए हुए हैं. सो उनमें ये कैविटी नहीं प्रेजेंट होती. डैट्स वाई दे आर नाउन एज ए सिलोमेट एनिमल्स विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. उनमें ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, जैसे डाइजेस्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा, एक्सक्रेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, नर्वस और मतलब जितने भी ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, ऑर्गन लेवल तक इनकी इनमें देखी गई है. देन हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म्स. क्योंकि ये पैरासाइट्स हैं, कीड़े की फॉर्म में हैं, तो इनमें हुक्स भी प्रेजेंट होंगे ताकि ये बॉडी के साथ अटैच हो सकें. कई बार खून चूसते हैं जो सक करते हैं ब्लड, सो वहाँ पर भी वो प्रेजेंट होंगे. कुछ जो है वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं होस्ट की बॉडी से डायरेक्टली, मतलब कि जो भी कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के ऊपर से डायरेक्टली वो कुछ ना उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे. स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स. इनमें क्या है कि कुछ फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रिएशन में हेल्प करते हैं, बॉडी से जो वेस्ट बाहर निकलता है उसमें हेल्प करेंगे. एंड इनमें दोनों तरह के, मेल और फीमेल एक ही
ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा. सो जो मेल के और फीमेल के पार्ट्स एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे और हर्मोफ्रोडाइट्स हैं वो, और फर्टिलाइजेशन जो होगी वो इंटरनल होगी, ठीक है, विद इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस, और बहुत सारी लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होंगी. जैसे पहले वो थोड़ा मतलब लार्वा बनेगा, फिर उसके बाद 3-4 लार्वल स्टेजेस आएंगे, फिर वो एक एडल्ट वॉर्म बनेगा. सब मेम्बर्स लाइक प्लानेरिया, प्लानेरिया हमने वैसे भी पढ़ा है कि उसमें बहुत पावर होती है रीजनरेशन की, ठीक है ना, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी. मीन्स कि कोई भी बॉडी का पार्ट काटो तो वो अपने आप क्या होगा, रीजनरेट हो जाएगा, जैसे कि आप लीजर्ड में भी देख सकते हो. सो इसमें एग्जाम्पल्स जो हैं ऑलमोस्ट आपको पता ही होंगी, जैसे कि टेप वॉर्म जो हमारी बॉडी के अंदर टीनिया सोलियम टीनियासिस कॉज करता है. देन वी हैव फेसियोला, लिवर फ्लूक, ठीक है. सो ये बहुत सारे कॉमन ऐसे वॉर्म्स हैं जो हमें पता होता है. पेट में कई बार हमें कीड़े भी बढ़ जाते हैं. सो दीज आर लाइक दिस. नाउ वी हैव फाइलम एस्कल्मेंथिस, ठीक है. प्लैटीहेलमेंथिस के बाद क्या आ गया, एस्कल्मेंथिस. इनकी बॉडी कैसी है, द बॉडी ऑफ द एस्कल्मेंथिस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शन अगर इनका हम पूरा देखें तो इनकी बॉडी थोड़ी सर्कल में होगी, फ्लैट नहीं होंगे, ठीक है. इनको हम राउंड वॉर्म्स कहते हैं. वो कौन से थे, फ्लैट, बिल्कुल चपटे, फ्लैट अप बॉडी, और ये राउंड हैं, गोल हैं, सर्कुलर हैं. तो ये आगे राउंड वॉर्म्स, मतलब गोल वाले कीड़े, और ऊपर वाले आगे जो बिल्कुल चपटे वाले कीड़े हैं. सो तभी इनके नेम में डिफरेंस है, प्लैटीहेलमेंथिस एंड एस्कल्मेंथिस. ये फ्री लिविंग है, ओके, फ्री लिविंग कहीं मतलब नॉट अटैच्ड एंड एक्वाटिक हैं, ठीक है, पानी में पाए जाते हैं, और टेरिस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ज़मीन पे भी हो सकते हैं, और पैरासिटिक भी हो सकते हैं. प्लांट्स या एनिमल्स में से मतलब उनको पैरासाइट बना के वहाँ से अपना न्यूट्रिएंट ले सकते हैं. राउंड वॉर्म्स जो होते हैं इनमें भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है. ये भी बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है. ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों तरह की लेयर्स प्रेजेंट होती है, और सीडोसिलोमेट्स होते हैं. सीडोसिलोमेट्स मैंने आपको बताया था कि जो ट्रू सिलोमेट्स नहीं होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, सिलोम प्रेजेंट होता है, बट वो कुछ पाउचेस में प्रेजेंट होगा. इनकी एलिमेंट्री कैनल वो पूरी कंप्लीट होती है विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंग्स, फैरिंग्स इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है. एलिमेंट्री कैनाल जो हमारे माउथ से लेके एनस तक रन करती है पूरी, ठीक है. खाना डाइजेस्ट होता है, जिस तरह से हम मुँह में खाना लेते हैं और फिर इसोफेगस तक जाता है. सो वो पूरी इनमें वेल डेवलप्ड होती है. एन एक्सक्रीटरी ट्यूब्स रिमूव्स बॉडी वेस्ट. एक एक्सक्रीटरी ट्यूब भी प्रेजेंट होती है जो बॉडी कैविटी से सारा वेस्ट एक्सक्रीटरी पोर्स के थ्रू बाहर निकालती है. तो ये डायोशिस हैं, इनमें मेल अलग है और फीमेल अलग है, ठीक है. तो दे आर डायोशिस, और मेल और फीमेल आपको देख के पता चल जाएंगे कि ये जो कीड़ा है ये मेल है और ये जो है वो फीमेल है. फीमेल्स जो होंगी वो मेल से लॉन्गर होंगी, फीमेल्स जो होंगी वो लंबी होंगी. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन विद इन द बॉडी होगी, और डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है. मीन्स के जो यंग वंस हैं वो अपने रिजेंबल कर सकते हैं पेरेंट्स से, और इनडायरेक्ट भी हो सकती है. मीन्स की लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट भी हो सकती हैं. इसमें क्या क्या है, एस्कैरिसिस कॉज करता है जो राउंड वॉर्म, ठीक है, वुचरेरिया, फिलेरियल वॉर्म एंड साइक्लोस्टोमा, हुक वॉर्म, ये जो मतलब पेट में कई बार कीड़े मलप वगैरह पड़ जाते हैं, वो यही सब है. एंड लास्ट वी हैव एनलिड्स, दे में भी एक्वाटिक, ये एक्वाटिक भी हो सकते हैं. मीन्स की फ्रेश वाटर भी हो सकता है बहते हुए पानी में, और मैरीन भी हो सकता है समुद्री पानी में भी हो सकते हैं, या टेरिस्ट्रियल भी हो सकते हैं ज़मीन पे भी हो सकते हैं, और फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, और कई बार ये पैरासिटिक होते हैं, ठीक है. और इनका भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और बायलेटरल सिमेट्री होती है. दे हैव ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों टाइप की लेयर्स प्रेजेंट होती है, और उसमें मेटामेर्स प्रेजेंट होते हैं. सो ये आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ठीक है, जो कि मेटामेरिज्म शो करते हैं, और सिलोमेट एनिमल्स हैं, इनमें सिलोम प्रेजेंट है. उनकी बॉडी सरफेस जो है वो डिस्टिंक्टली मार्क्ड है सेगमेंट्स में या मेटामेर्स में, इसीलिए इस फाइलम का नेम एनलिड्स है. एनल का मतलब एनस, एनुलस का मतलब रिंग की शेप में, ठीक है. मेटामेर्स प्रेजेंट होंगे, जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उसमें सेगमेंट्स में बटे होंगे वो. दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, ठीक है, जो इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स हैं, लंबाई में भी हैं और गोल गोल सर्कल में भी हैं. इसके सबसे बड़ी एग्जांपल है अर्थवॉर्म. उसको आपने देखा होगा कि वो किस तरह से चलता है, अपनी बॉडी को आगे खींचता है, देन फिर पीछे लेके जाता है, फिर आगे को होती है उसकी बॉडी. सो यू कैन सी किस तरह से उसकी बॉडी मूव करती है, और इस तरह से वो अपना मतलब कि लोकोमोशन करता है, ठीक है. पहले वो अपनी जो स्ट्रेच होती हैं उसकी
पूरी बॉडी, लोको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस भी होते हैं, सर्कुलर मसल्स भी होते हैं. सो एक्वाटिक एनालिट्स लाइक नेरिस पोजेस लेटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया. वहाँ पे क्या होगा, पैरापोडिया प्रेजेंट होंगे जो लेटरल अपेंडेजेस हैं, चलने में हेल्प करेंगी, स्विमिंग में हेल्प करेंगी. एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है कि जितने भी आपकी बॉडी की जो वेन्स हैं उनमें ब्लड फ्लो करता है. नेफ्रीडिया, सिंगल नेफ्रीडियम इज हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन. नेफ्रीडिया जो यूनिट्स हैं ये एक्सक्रिएशन में हेल्प करती हैं. और न्यूरल सिस्टम जो है वो गैंग्लिया, ठीक है, पेयर ऑफ गैंग्लियॉन्स, और जिसको आप सिंगल गैंग्लियॉन कहते हैं, वो प्रेजेंट हैं, जो कि लेटरल नर्व से एक डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से कनेक्टेड हैं. और इस तरह से इनका सिस्टम नर्वस सिस्टम है. नेरिस एंड एक्वाटिक फॉर्म इज डायोशियस, इसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग हैं. बट अर्थवॉर्म्स एंड लीचिज आर मोनोशियस, पर जो अर्थवॉर्म और जो लीचिज हैं वो मोनोशियस हैं, ठीक है, एंड द रिप्रोडक्शन इज सेक्शुअल. सो ये आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, ए पार्ट इज नेरिस एंड सेकेंड पार्ट इज हिरुडिनेरिया. सो एनालिटिज में अगर आपको याद है तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है आपके अर्थवॉर्म को, जिसको को क्या बोलते हैं, फेरेटिमा. ये इसका जोलॉजिकल नेम है, फेरेटिमा. सो आई होप आप सबको समझ आ गई हो. सो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ओके. सो कल हम आर्थ्रोपोडा से शुरू करेंगे. थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.